हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द डिवाइन टैरो। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे कि आप सब बहुत अच्छे होंगे गाइस। सो आज की जो रीडिंग होने वाली है, इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आज रात आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं, ठीक है। आज रात वो क्या महसूस कर रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, ओके, उनके डीप इमोशंस क्या है आपके लिए, सो हम देखने वाले हैं। सो चलिए जल्दी से अपने पर्सन का ध्यान कर लीजिए, ओके। हम देखेंगे कि आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है। डिवाइन गाइड करे और बताएं मुझे मेरे व्यूवर्स, जिस व्यक्ति का ध्यान कर रहे हैं उस पर्सन की फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। ओके, सो ये दो कार्ड आ रहे हैं, एस ऑफ सोर्ड्स दिस स्टार, किंग ऑफ वैंड्स, टेन ऑफ कप्स, फोर ऑफ सोर्ड्स, ओके, क्लेरिफाई द थ्री ऑफ सोर्ड्स, क्लेरिफाई करें थ्री ऑफ सोर्ड्स को। क्लेरिफाई द थ्री ऑफ सोर्ड्स, फाइव ऑफ कप्स, क्लेरिफाई द फोर ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल्स। इनस मुझे बताएं कि क्यों इतने ज्यादा पैशनेट हो रही है, इनके तरफ क्यों इतने ज्यादा पैशनेट हो रहे हैं। नाइन ऑफ कप्स, ओके। इनस मुझे बताइए क्या सोच रहे अपने माइंड में, क्लेरिफाई करें एस ऑफ सोर्ड्स को। क्या सोच रहे अपने माइंड में, क्लेरिफाई करें एस ऑफ सोर्ड्स को। क्या सोच रहे अपने माइंड में, क्लेरिफाई करें डिवाइन और बताएं मुझे एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को क्लेरिफाई करें। द डेविल। इनवर्स मुझे बताएं कि विश क्या है, दी स्टार की एनर्जी क्यों रिप्रेजेंट हुई है, क्या विश कर रहे हैं ये। ओके, दी फूल, ओके, क्लियर आंसर मुझे यहाँ पे मिल चुका है, ठीक है। सो टेन ऑफ कप्स को हम अगर जरूरत हुआ सो क्लेरिफाई करेंगे, ठीक है। हालांकि जो मैसेजेस चाहिए थे मुझे ऑलरेडी यहाँ पे आ चुकी है। दी लवर्स, ओके, नहीं बहुत प्यार आ रहा है इनको तो, आपके पार्टनर को आप पे, ठीक है। इनकी राशि जेमिनी हो सकती है, जेमिनी यानी कि मिथुन राशि हो सकती है इनकी, ठीक है। सबसे पहले बात करूं इनकी एनर्जी में जो राशियां पिक हुई है वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे 12 साइन आ चुके हैं, ठीक है, बट जो स्ट्रॉन्ग साइन है मैं आपको वो बता देती हूँ। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ओके। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हैवी है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, ओके, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन भी है, ठीक है, कन्या राशि भी है, पाइसिस भी है। सो आप जिस व्यक्ति से डील कर रहे हैं उनकी एनर्जी में जो मुझे फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है ये व्यक्ति ना अपने माइंड में बहुत ज्यादा सोच विचार कर रहे हैं, ठीक है। एस ऑफ सोर्स एंड द डेविल का कार्ड इसको क्लैरिफाई कर रहा है, आप देख सकते हो क्लियरली यहाँ पे मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं, ठीक है। एस ऑफ सोर्स की एनर्जी एंड द डेविल की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रही है कि आपके व्यक्ति आपको अपने माइंड से नहीं निकाल पा रहे, ठीक है। हालांकि आप दोनों में जो सेपरेशन आया है, जिस चीजों के वजह से आप दोनों अलग हुए हो, ठीक है, एक दूसरे से कनेक्शन में नहीं आ रही या एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे हो, उसके कारण डेफिनेटली आपके पार्टनर को इस चीज का एहसास जरूर हो रहा है, इस चीज ये काफी बॉदर हो रहे हैं, इस चीज को ये स्वीकार नहीं रहे हैं, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है कि चीजें इनके कंट्रोल में नहीं है, बहुत ज्यादा खराब हो रही है, या ये जो चाह रहे हैं करंटली वो चीजें हो नहीं पा रही। हालांकि लव बहुत है, काफी ज्यादा ये पैशनेट भी है आपकी तरफ, ठीक है। ऐसा लग रहा है आपके लिए बहुत ज्यादा पैशनेट है, ठीक है। हर किसी से लड़ने की शक्ति है इनमें आपके लिए, आपके अंदर ना एक अट्रैक्शन को महसूस कर रहे हैं, फिजिकल, ऐसा मुझे लग रहा है फिजिकली ये कुछ चाहते हैं आपसे, ठीक है, या रह चुका है आप दोनों में पास्ट में पहले, या इन्होंने कहा था आपसे फिजिकली इनसे रिलेशन में आने के लिए, ठीक है। अगर आप नहीं आए या आपने मना कर दिया या फिर कुछ प्रॉब्लम्स हो गए आप दोनों के बीच में, ठीक है, उसके वजह से ये काफी नाराज एंड ऐसा लग रहा है वो बातें आपसे मनवाना चाहते हैं, ठीक है। ये पर्सन डेफिनेटली आपसे फिजिकल होना चाहते हैं या ऑलरेडी पास्ट में हो चुके हैं, सो उस चीज को लेके ये काफी ज्यादा क्रेव करते हुए नजर आ रहे हैं। लव मुझे नहीं दिख रहा, ठीक है, स्ट्रॉन्ग जो एक लव होता है वो नहीं दिख रहा मुझे, ऐसा लग रहा है जेन्युइन लव नहीं दिख रहा है कि भाई शिद्दत वाला प्यार हो, एक दूसरे के लिए मर मिटे, एक दूसरे के लिए ही आप दोनों लॉयल हो, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है, मुझे ऐसी एनर्जी यहाँ पे पिक नहीं हो रही है, ठीक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे नहीं दिख रहा तो मैं क्या कहूं, राइट। बिकॉज बॉटम ऑफ द डेक में आप देख रहे होंगे कि मैम यहाँ पे तो लव का कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक में, और आप कह रहे हो कि जेन्युइन लव नहीं है, नहीं आप ऐसा बता रहे हो, बिकॉज ये बॉटम ऑफ द डेक में आया है, ठीक है, ये एक फिजिकल अट्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, बिकॉज यहाँ पे क्लेरिफाई कर रहा है द डेविल एंड यहाँ पे लवर्स कार्ड है, यानी कि फिजिकल लव इनके अंदर ज्यादा है, ठीक है, फिजिकली आपसे लव चाहते हैं,
एक फिजिकल सेटिस्फेक्शन सिर्फ और सिर्फ आपके साथ मिलता है, राइट? अब आप समझ ही चुके होंगे, ठीक है? सो ये चीजें ना ये आपसे फुलफिल करना चाहते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से क्रेव कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं। इनको ये भी नहीं पता ना कि ये सच में प्यार करते हैं आपसे, ठीक है? आप सच में इनकी विश हो, आप एक ऐसी विश हो, आपके साथ एक नई शुरुआत सोच रहे हैं, ठीक है, एक्सेप्ट कर रहे हैं कि यस आपके साथ एक नई शुरुआत हो जाए, बिकॉज दी स्टार का कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है दी फूल को, राइट? सो ये चाहते जरूर है कि आपके साथ जो भी चीजें है ना वो कम्प्लीट हो जाए और एक नई तरीके से शुरुआत हो। नंबर जीरो रिप्रेजेंट हुआ, इसका मतलब क्या है कि अपनी विश को कम्प्लीट देखना चाहते, ये अपने विश को यहाँ पे कम्प्लीट होते हुए देखना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपके साथ जो भी चीजें खराब हुई है ना वो चीजें सही हो जाए, ठीक है? बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हो इस ब्यूटीफुल एनर्जी के साथ यहाँ पे थ्री ऑफ सोर्ड्स एंड फाइव ऑफ कप्स का भी कार्ड है, ठीक है? यहाँ पे ही आप देख सकते हो कि ये पर्सन ने आपको चीटिंग करा, जिससे बहुत पेनफुल सिचुएशन में आप हो, और इनको ऐसा भी लग रहा है कि अब आपको बताना, आपको रिझाना, आपको मनाना इनके लिए काफी ज्यादा मुश्किल है, ठीक है? जिसकी वजह से एक अलग शांत, एक ऐसा लग रहा है अलग एनर्जी में बैठे हुए एक शांत जगह पे, और ये सोच रहे हैं कि किस तरीके से वापस से आपको लाने के लिए अब क्या प्लान करें, ये क्या चीजें आपके लिए क्रिएट करें जिससे कि आप मान जाओ, आप आ जाओ, ठीक है? बिकॉज ये व्यक्ति आपके लिए काफी ज्यादा पैशनेट है और यस आपका दिल इन्होंने डेफिनेटली पास्ट में तोड़ा है, या कुछ ना कुछ चीजों की वजह से आप दोनों सेपरेशन का सामना कर रहे हो, नो कॉन्टेक्ट का सामना कर रहे हो, या फिर फैमिली की वजह से आप दोनों डर जरूर रहे हो, ठीक है? या आप या आपके पार्टनर, ठीक है, डेफिनेटली दोनों में से किसी फैमिली की वजह से कुछ ना कुछ इश्यूज है, या फैमिली की वजह से आप दोनों कंट्रोल एनर्जी में हो, ठीक है? या तो आपके पार्टनर या तो आप। किंग ऑफ वैंड्स एंड नाइन ऑफ कप्स, डेफिनेटली आप इनकी विश हो, विश फुलफिलमेंट हो, ठीक है? यहाँ पे दो बार कार्ड आया हुआ है विश फुलफिलमेंट का, दी स्टार की एनर्जी जो है वो रिप्रेजेंट करती है एक विश को, ठीक है, और नाइन ऑफ कप्स की एनर्जी भी रिप्रेजेंट करती है एक विश को, फैमिली को, डिजायर को, लव को, ठीक है? ये व्यक्ति ना आपसे सच में प्यार करते हैं, बट इनको समटाइम्स लाइक ये फील करवाते हैं खुद को कि नहीं कोई प्यार व्यार नहीं है, अट्रैक्शन है कुछ दिन का, ठीक है, प्यार जैसी कोई चीज नहीं होती। हो सकता है आपके पार्टनर को पास्ट में काफी चीटिंग का सामना करना पड़ा है, लोगों ने इनको चीट करा है बहुत बुरी तरीके से, बट ये शायद आपको बताते नहीं है, या पूरी तरीके से उन्होंने अपने राज को आपके सामने खोल के नहीं रखा है, ठीक है, पूरी तरीके से सच्चाई इन्होंने आपको नहीं बताई अपने पास्ट की, या कुछ ना कुछ तो है जिसकी वजह से ये पर्सन थोड़े से हिडन एनर्जी में जरूर रहते हैं, कन्फ्यूजन में जरूर रहते हैं, ठीक है, कि आपको मनाना, वापस से अपनी लाइफ में लेके आना, क्या ये एक राइट डिसीजन है, क्या ये जो कर रहे हैं या फिर क्या ये जो चाहते हैं या ये जो इस रिश्ते में जो ये करना चाह रहे हैं इस लव रिलेशनशिप में, क्या वो सही है, ठीक है? हालांकि व्यक्ति ना आपके साथ कोई धोखा या चीटिंग या आपको किसी बिट्रेयल एनर्जी में ही नहीं देखना चाहते थे या नहीं करना चाहते थे या हो गया इनसे मिस्टेक से, ठीक है, बट ये चाहते जरूर है आपको, ऐसा लग रहा है एक चाहत है, एक लव है, बट उसको ना ये कन्वर्ट कर देते हैं फिजिकल में, ठीक है, फिजिकल रिलेशन में कन्वर्ट कर देते हैं, बट जब प्यार की बात आती है ना सो डेफिनेटली ये आपको ना दिल से याद करते हैं, ठीक है? इनको ऐसा लगता है कि जब भी प्यार के बारे में सोचता हूं या सोचती हूँ या जब भी इनका तबीयत खराब होता है या इनके आसपास कोई नहीं होता तो हर बार आपका नाम इनके जुबान पे क्यों आता है या हर बार ये आपको मिस करने क्यों लग जाते हैं, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, ठीक है? कभी कभी ये सोचते जरूर है, डेफिनेटली आपके पार्टनर का हेल्थ इश्यू भी ऐसा लग रहा है हो सकता है, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे दिख रहा है कि आप जितनी केयर करते थे ना, आप जितना इनको लव देते थे वो शायद कोई दे नहीं रहा इनको, ठीक है? हो सकता है कि फिजिकल लेवल पे कहीं पे कनेक्ट भी हो जा रहे, बट ये व्यक्ति कंप्लीशन सिर्फ और सिर्फ आपके साथ फील करते हैं, बिकॉज टेन ऑफ कप्स का कार्ड आया हुआ है यहाँ पे, ठीक है? फोर ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी एंड टू ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी रिप्रेजेंट करी है कि व्यक्ति आपको लेके काफी ज्यादा कंफ्यूजन वाली एनर्जी में है, जिसके कारण ये कंफर्टेबल जोन में जा बैठे, ठीक है, एक ऐसी अवस्था में ये बैठे हुए जहां पे इनको ये भी समझ में नहीं आ रहा है, बट एक ऐसी एनर्जी यहाँ पे बन रही है ना, लाइक वो एक्सप्लेन कर पाना मेरे लिए भी थोड़ा डिफिकल्ट है, ठीक है? बिकॉज ये अपना ये आपके पार्टनर ना हो सकता है कि आपको दिखाते हो प्लेयर टाइप एनर्जी, ठीक है, कि ये बहुत प्लेयर है, शुरू से इन्होंने आपको एक इल्यूजन वर्ल्ड में रखा हो, शुरू से इन्होंने अपनी एक दूसरी छवि आपको दिखाई हो, ठीक है, दूसरी परछाई आपको देखने को मिली हो, आप कभी समझ ही नहीं पाए कि व्यक्ति चाहते क्या है आपसे, ठीक है? आप देख सकते हो एक तरफ यहाँ पे आपको एक नजर आ रहा होगा, ठीक है, जिसमें ओपन होने का और सामान डालने का यहाँ पे कुछ दिया हुआ, ठीक है, बटन आपको दिख रहा होगा, दूसरी तरफ यहाँ पे आप देख रहे होगे कि एक सर्कल बना हुआ है, ठीक है, जो भी आप इसको समझो उसको हम स्टार सर्कल बोलते हैं, यहाँ पे एक सर्कल बना हुआ है, ठीक है, जहां पे ये व्यक्ति एक तरफ देख रहे हैं कि मेरा विश है, ठीक है, और एक तरफ ये आपको ऐसा देख रहे हैं कि एक तरफ में
उनके फैमिली वाले हैं या उनका जो भी प्रॉपर्टी वगैरह या जो भी चीजें उनको अपनी हक में मिलनी है अपने फैमिली की तरफ से, ठीक है, आप ऐसा मान लो एक तरफ उनका अपना हक है, ठीक है, प्रायोरिटी है जहां पे चीजें उनको अच्छे तरीके से रखनी है, संभालनी है, जो कि उनके फ्रंट के साइड में, राइट, उनके आगे साइड में इन्होंने ये एक बैट की तरह एक कैरी किया हुआ, राइट, जो इनकी जिम्मेदारी है, जो इनको इस चीज पे इन्वॉल्व होना है, ये वो चीजें, और एक तरफ ये चीजें जहां पे ये आपके बारे में सोच रहे हैं कि मेरे पीछे भी एक पर्सन है, ठीक है, मेरे पीछे भी एक ब्यूटीफुल एनर्जी है, उसे भी मुझे अपने साथ रखना है, बट किस तरीके से। आपको यहाँ पे एक और चीजें नजर आ रही होगी, ये पूरी तरीके से आपको दिख रहा होगा, ये आपको थोड़ा इनविजिबल सा नजर आ रहा है एक हल्की परछाई में, राइट, हालांकि हर रीडिंग में इसकी मीनिंग अलग हो जाती है, बट जो रीडिंग में जो एनर्जी मिलती है जिस कार्ड से, वो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने अपनी जिम्मेदारी को, अपने परिवार को, अपने फैमिली वाले को और अपने आसपास के लोगों को इन्होंने फ्रंट में रखा हुआ है, ठीक है, कि ये लोग महत्वपूर्ण है, ये लोग मेरी जिंदगी से नहीं जाने चाहिए सोसाइटी, ओके, ये लोग मेरे लाइफ से नहीं जाने चाहिए। हो सकता है इसकी वजह से ये कंफर्टेबल जोन में आ गए, ठीक है, अपने हार्ट को इन्होंने सेफ कर लिया। दूसरी तरफ आप है जिसको इन्होंने लपेट के रखा है और आपको भी ये छोड़ना नहीं चाहते, ठीक है, आपको भी ये ज्यादा दूर जानते नहीं देख सकते, बट पीछे से क्या होता है ये आपको हमेशा नजर रखते हैं, बट आगे से आपको ये दिखाते हैं कि फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है, तो मैं कंफ्यूज हूं, तो मैं तुम्हारी तरफ नहीं बढ़ सकता है, नहीं बढ़ सकती, राइट। आई होप कि मैं आपको एक्सप्लेन कर पा रही हूँ, मैं बहुत ही इजी वर्ड में बहुत ही इजी तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को समझ में आए, हल्का फुल्का आपको आइडिया लग सके, ओके। टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड जो है ये यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि सबसे पहले ये फर्स्ट अपनी फैमिली, अपने आसपास के लोगों को और इन सारी जिम्मेदारियों को ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं और इन्होंने आपको पीछे साइड रखा हुआ है और ये देख रहे हैं कि आप भी तो इनको प्रोटेक्ट करते हो, आप भी तो इनको प्यार देते हो, आप भी तो इनको एनर्जी देते हो, तो फिर किसको चूज करें। हालांकि लपेट इन्होंने दोनों को रखा है, ठीक है, एक सही समय आने पर सिलेक्ट कर लेंगे, तब तक के लिए कंफर्टेबल जोन को अपनाना ही सही है, ठीक है, बिकॉज आपके साथ भी कंप्लीट फील होता और अपनी जिम्मेदारियों से भी नहीं भागना चाहते, ठीक है। सो दोनों तरफ ही ऐसा लग रहा है, दोनों तरफ ही रहना चाहते हैं, दोनों तरफ ही ये बैलेंस करना चाहते हैं, ठीक है, बैलेंस एनर्जी कहीं ना कहीं और दोनों तरफ से ये व्यक्ति दिखाना चाहते हैं, ठीक है। बस मुझे बताएं ऑल ओवर इस व्यक्ति की एनर्जी में और क्या ये चाहते हैं, ऑल ओवर क्या चाहते हैं अपनी लाइफ में, इन बस मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स से क्या चाह रहे, ठीक है, क्या चाहते हैं मेरे व्यूवर्स से, इनके पार्टनर क्या चाहते हैं, ओके। सो यहाँ पे थ्री कार्ड्स आ गए, ठीक है, ये दो थ्री कार्ड्स आ गए, किंग ऑफ कप्स, ओके, जजमेंट, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, दिस सन, वाओ क्या ब्यूटीफुल एनर्जी है। आपसे ना ये सिर्फ लव चाहते हैं, ठीक है, इक्वल बैलेंस चाहते हैं, लव चाहते हैं, आपसे जजमेंट चाहते हैं, ऐसा लग रहा है आपने इनके साथ जजमेंट नहीं करा है, ठीक है, जिसके वजह से आपके पार्टनर जो है काफी ज्यादा परेशानी का सामना कर रहे हैं, ठीक है, काफी ज्यादा परेशान हो रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है विद सेवन ऑफ पेंटिकल्स आपने इनका साथ नहीं दिया या आपने इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं करी, आप हमेशा एक भागने की एनर्जी में रहे, ठीक है, आप हमेशा क्लियरिटी मांगते, उस वक्त आप अपना अपना डिमांड्स या अपनी इच्छाएं इनके सामने रखते हैं जब ये कहीं ना कहीं बिजी होते, ठीक है, या कहीं ना कहीं ध्यान कर रहे होते, कहीं ना कहीं अपने कामों पे व्यस्त होते, तब आप इनसे उल्टी सीधी चीजें मांगते, कभी प्यार मांगते, कभी समय मांगते, कभी आप इनसे कमिटमेंट के बात कह देते, आपको लाइक ये सेंस ही नहीं हो पाता है कि राइट टाइम कब है, किस टाइम पे मुझे कमिटमेंट मांगना चाहिए, किस टाइम पे मुझे प्यार के लिए बोलना चाहिए, ठीक है। सो आप में ना वो सेंस कहीं ना कहीं आपके पार्टनर सोचते हैं कि कम है, हालांकि हो सकता है आप में कम नहीं है, बट ये डेफिनेटली आपके पार्टनर को लगता है कि आप गलत समय पे गलत चीजें करते हो, ठीक है, सही समय पे सही चीजों को करते नहीं हो, ग्रोथ लेके आते नहीं हो रिश्ते में, पूरी तरीके से समझते नहीं हो सामने वाले को, बस अपने हैप्पीनेस पे, अपने आप पे ज्यादा फोकस करते हो, ठीक है, बट आप होप काफी स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हो, ठीक है, आप काफी आध्यात्मिक हो सकते हो, या फिर आपके अंदर एक सोल है जो काफी ब्यूटीफुल है, पाते यस ये आपको स्पिरिचुअल मानते हैं, कहीं ना कहीं ऐसा मानते हैं कि आप एक ब्यूटीफुल सोल हो, आप एक प्योर सोल हो, ठीक है, आप किसी को धोखा नहीं दे सकते, आप किसी से चीटिंग नहीं कर सकते, ये बहुत अच्छा कुछ सोचते हो और ये आपसे जजमेंट की उम्मीद कर रहे हैं कि देर सवेरी ना सही, आप इनके लाइफ में इनको जजमेंट जरूर दोगे, हो सकता है आपकी तरफ से ब्लॉकेजेस है या आप इग्नोर कर रहे हो जिसके वजह से आपके पार्टनर परेशान है और ये चाहते हैं कि आप इनको इग्नोर मत करो, ठीक है, हैप्पीनेस ऐसा लग रहा हैप्पीनेस ये आपसे चाह रहे, ठीक है, ऑल ओवर इनकी एनर्जी में ये आपसे चाहते हैं कि इस रिश्ते में आप जजमेंट लाओ, ग्रोथ लाओ और हैप्पीनेस लाओ दी सन की तरह, ठीक, एक ऐसी हैप्पीनेस को लेके आओ जो कभी कम ना हो इस रिश्ते में, ठीक है, बट आपके पार्टनर कोई एफर्ट नहीं डालेंगे, ये शांत बैठेंगे, ध्यान करेंगे, ठीक है,
ये अपने आप में मग्न रहेंगे, बट आपसे उम्मीद करेंगे कि यस आप इनके लिए वो सारी चीजें क्रिएट करो जो ये चाहते हैं। मेहनत ये आपकी तरफ से चाहते हैं, ग्रोथ आपकी तरफ से चाहते हैं, ये चाह रहे हैं कि आप इस रिलेशनशिप में एफर्ट डालो, आप 10 मिन्नतें करो, आप 10 बार इनके बारे में सोचो, ठीक है। एक मिनट, हाँ, जजमेंट की एनर्जी को क्लैरिफाई करें, यूनिवर्स क्लैरिफाई दी जजमेंट, जजमेंट की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। नाइट ऑफ वैंड्स, यस नाइट ऑफ सोर्ड्स, आपकी तरफ ये भाग के जरूर आना चाहते हैं, बट ऐसा लग रहा है हीलिंग एनर्जी सिर्फ और सिर्फ आपके पास है, ठीक है। ये नहीं चाहते कि ये खुद से होकर के आए, बस ये चाहते हैं कि आप बस इनको जजमेंट दो, ठीक है, बिकॉज हैप्पीनेस है यार आपके साथ। पता नहीं क्यों मैंने ऐसे वर्ड यूज किया, हैप्पीनेस है यार आपके साथ, बिकॉज आई फील कि ये पर्सन आपको ऐसे ही कहना चाहते हैं, यार हैप्पीनेस हो तुम, प्लीज आ जाओ ना, ऐसा कोई मैसेज आपको देना चाह रहा है, ठीक है। इस तरीके का मैसेज मुझे डेफिनेटली बहुत ही रेयर टाइप में फील हुआ, ऐसा लग रहा है कोई ऊंची आवाज में आपसे कहना चाहता हो कि यार बस करो, ठीक है, बहुत हुआ, प्लीज कम टू मी, ऐसा कोई कुछ कहना चाह रहा है, ठीक है। कोई आपको अपने करीब बुलाना चाह रहा है, डेफिनेटली आई फील ऐसा लग रहा है आप भाग रहे हो, आप निकल रहे हो किसी की लाइफ से, आप पूरी तरीके से निकलना चाहते हो, मूव ऑन होना चाहते हो, और वो व्यक्ति आपको बताना चाहते हैं कि मेरे लाइफ से इतनी जल्दी मत जाओ, आई नीड यू, ओके, यू तुम स्पेशल थे, तुम स्पेशल हो और हमेशा स्पेशल रहोगे। आई डोंट नो, मुझे ये मैसेजेस स्पीक हो रहे हैं गाइस, तो मैं आप लोगों को दे रही हूँ, ठीक है, मैं खुद से कुछ भी नहीं कह रही, बिकॉज आई फील कि कोई यहाँ पे बहुत ऊंची आवाज में बात करता है, या आपके पार्टनर का आवाज बहुत क्लियर एंड लाउड हो सकता है, ठीक है, काफी क्लियर वर्ड में वो आपको बोलते होंगे कुछ भी, बट यस ये व्यक्ति दिल से आपको कुछ मैसेजेस देना चाहते हैं, और ऐसा लग रहा है ना आना चाहते सब कुछ, बट ईगो और अहंकार इनके मन में है, ठीक है, बिकॉज ये ईगोइस्टिक तो है, बिकॉज इतने ज्यादा बर्डन और दर्द के बाद कौन व्यक्ति खुद को रोकता है, ठीक है, लव के लिए, बट ये रोकते हैं, दूसरी तरफ खुद का माइंड भटका रहे, दूसरी तरफ भागने की कोशिश कर रहे हैं, बट एक तरफ आप जा रहे हो तो वो चीजें इनसे बर्दाश्त भी नहीं हो रही है, ठीक है, देख भी नहीं पा रहे कि क्यों आप जा रहे हो, ये चीजें इनसे लाइक इनको हजम भी नहीं हो रही है, डाइजेस्ट नहीं कर पा रही है, ठीक है। तो काफी पेनफुल सिचुएशन में दिख रहे हैं, बट यस चाहते जरूर है कि इस रिश्ते में ग्रोथ हो। सिंह राशि हो सकती है आपके पार्टनर की, सिंह यानी कि लियो राशि, ठीक है, स्ट्रांगली यहाँ पे पिक हुई है, ओके। सो नंबर में आपको बता दूं, नंबर 5, नंबर 15, नंबर 3, नंबर 9 एंड नंबर 2 एंड नंबर 17 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, ओके। आई फील सितंबर का महीना या फिर नवंबर का महीना किसी के लिए और मार्च का महीना किसी के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ओके, डेफिनेटली। सितंबर का महीना रिप्रेजेंट करता है नंबर 9 को, ठीक है, मार्च का महीना रिप्रेजेंट करता है नंबर 3 को, 3, 9, ओके, ये नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, या फिर 369 से रिलेटेड कुछ हो सकता है, बिकॉज सिमिलर एनर्जीज यहाँ पे आ रही है, ठीक है, हो सकता है आप कोई टेक्निक यूज कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, कुछ ना कुछ चीजें, कुछ ना कुछ डिजायर आपके मन में है, ओके, इस पर्सन को लेकर के, बट यस ये पर्सन भी आपसे कुछ इसी तरीके से चाहते हैं जजमेंट, ठीक है, और आना चाहते हैं आपके पास, बट ये आपको कह नहीं रहे या फिर इनकी हिम्मत नहीं हो रही आपको ये सब कुछ कहने की, ठीक है। सो ये थी गाइस आपकी रीडिंग, रीडिंग पसंद आई हो तो रीडिंग को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ढेर सारा प्यार दीजिए डिवाइन टैरो को, ठीक है, सब्सक्राइब करें चैनल को अगर पहली बार है तो, लाइक करें वीडियो को, शेयर करें, और हाँ क्लेम जरूर करें इस दी सन की एनर्जी को, ठीक है, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी आई है, सो जरूर से जरूर क्लेम करें। अभी के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आप सभी से अगले रीडिंग में, बाय गाइज़।